अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, यू आर वाचिंग स्टूडेंट्स प्लैनेट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे समरका स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। ये वीडियो एज ए स्टूडेंट आपके साथ मैं ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कर रहा हूँ। मैं उज़्बेकिस्तान में एमबीबीएस कर रहा हूँ और ये मेरा यहाँ पे मैंने 3 साल गुजारे हैं और मैं अपने ऑनेस्ट रिव्यू अपने 3 साल के एक्सपीरियंस के मुताबिक समरका स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में आपसे डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर करूंगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ यूनिवर्सिटी फीस, लिविंग एक्सपेंस, हॉस्टल रिव्यूज, इसके अलावा मेस और कंट्रैक्टर स्कैम्स, एडमिशन प्रोसेस, स्टडी कैसी है यूनिवर्सिटी की, हर चीज डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। ये वीडियो आपके साथ एज ए स्टूडेंट शेयर कर रहा हूँ, किसी कंट्रैक्टर के कहने पर या एज ए कंट्रैक्टर ये वीडियो आपके साथ शेयर नहीं की जा रही। तो वीडियो को एज ए स्टूडेंट रिव्यूज के तौर पर अगर आप देखेंगे तो आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी। सबसे पहले अगर यूनिवर्सिटी की फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो पहले सेमेस्टर या पहले साल की फी होती है वो बाकी साल की नस्बत ज्यादा होती है। जैसे कि इंडियन स्टूडेंट यहाँ पे ईयर वाइज पे करते हैं और पाकिस्तानी स्टूडेंट यहाँ पे सेमेस्टर वाइज पे करते हैं। तो इंडियन स्टूडेंट का जो पहले साल का पैकेज होता है वो ऑलमोस्ट $6,500 से लेकर $7,000 तक का होता है, जबकि पाकिस्तानी स्टूडेंट का पहला पैकेज सिर्फ एक सेमेस्टर का होता है, देन वो आगे सेमेस्टर वाइज फीस देते हैं, जबकि इंडियन स्टूडेंट ईयर वाइज देते हैं। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट का पहले सेमेस्टर का जो पैकेज होता है वो ऑलमोस्ट $3,600 से $4,000 तक का होता है। इसके अंदर यूनिवर्सिटी की फीस इंक्लूड होती है, आपके पहले पैकेज के अंदर आपका हॉस्टल इंक्लूड होता है, आपके मेस फीस इंक्लूड होती है, इसके अलावा आपके एडमिशन के प्रोसेस जो होता है जैसे एडमिशन लेटर, डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन, इसके लिए वीजा के लिए आपको जो इन्विटेशन चाहिए होता है, हर चीज इस पहले पैकेज के अंदर इंक्लूड होती है। अगर आप समरका स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो दोनों कंट्रीज के लिए, इंडियन और पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए पहले साल का और पहले सेमेस्टर का पाकिस्तानी के लिए जो पैकेज है वो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है। इससे ज़्यादा अगर किसी भी स्टूडेंट से लिया जाता है तो उनके अंदर हैवी अमाउंट ऑफ कमीशन ऐड होता है। ये थी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट पहले सेमेस्टर के पैकेज के बारे में। इसी तरह अगर आप आगे की फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इंडियन स्टूडेंट को सेकंड ईयर से जो फीस पे करनी होती है वो ईयर वाइज है, तो उसके अंदर जो एक साल की फीस होती है सेकंड ईयर से ऑनवर्ड $3,400 यूनिवर्सिटी की फी है, $600 स्टूडेंट को हॉस्टल का पे करना होता है, इसके अलावा $1,200 फूड यानी मेस के लिए पे करना होता है, $200 फॉर रजिस्ट्रेशन, रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन के तौर पे करने होते हैं, और $200 हर स्टूडेंट को वीजा एक्सटेंशन के तौर पे करना होता है। जबकि पाकिस्तानी स्टूडेंट यहाँ पे सेमेस्टर वाइज पे करते हैं तो उनकी सेकंड सेमेस्टर जो फी है वो $1,700 यूनिवर्सिटी फीस है, $300 हॉस्टल की फीस है, $600 उनको मेस का पे करना होता है, इसके अलावा और जो रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन और वीजा एक्सटेंशन है वो उनको ईयर वाइज आफ्टर 1 ईयर ही पे करनी होती है, वो $200 वीजा के होते हैं आफ्टर 1 ईयर और $200 रजिस्ट्रेशन के होते हैं आफ्टर 1 ईयर। तो ये ओवरऑल सेकंड ईयर से फीस स्ट्रक्चर्स की इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा अगर स्टडी की बात करें तो स्टडी यहाँ पे बहुत बेहतर है। इवन तो अगर मैं ये कहूँ कि उज़्बेकिस्तान में जितने भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं सबसे बेस्ट स्टडी समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे 26 पाकिस्तानी एंड इंडियन डॉक्टर्स जो कि पाकिस्तान से ग्रेजुएट हैं, यहाँ पे पाकिस्तान से या इंडिया से ग्रेजुएट्स हैं, वो यहाँ पे स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। तो ये एक बेस्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करने का मौका मिलता है और अपनी ही कम्युनिटी के टीचर से पढ़ने का मौका मिलता है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन रहता है स्टूडेंट्स के लिए। अगर क्लिनिकल पॉइंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे पहले सेमेस्टर से ही हॉस्पिटल की क्लासेस दी जाती हैं, हॉस्पिटल में उनको क्लिनिकल के लिए लेके जाया जाता है, जबकि आफ्टर 3rd ईयर तो स्टूडेंट की मोस्टली क्लासेस ही हॉस्पिटल में होती हैं जिनको साइकिल्स के तौर पे वो परफॉर्म करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स को अगर 3rd ईयर में कोई जाता है तो उनकी हर डिपार्टमेंट्स में फ्यू डेज होते हैं, जैसे कि 7-8 दिन एक डिपार्टमेंट में, देन 10-15 दिन एक डिपार्टमेंट में, वो उस तरह से उस सब्जेक्ट को भी कम्प्लीट करते हैं और उस डिपार्टमेंट में अपने रोटेशंस को भी कम्प्लीट करते हैं। तो ये होती है 3rd ईयर से आगे क्लिनिकल की अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पे क्लिनिकल बहुत बेहतर है। इवन तो अगर कितनी भी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें उज़्बेकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं हर यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल ऑप्शन हर यूनिवर्सिटी में बहुत बेहतर है। अगर समरका स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की बात करें तो यहाँ पे 2 बेड शेयरिंग रूम भी अवेलेबल है, 3 बेड शेयरिंग रूम भी है, ये डिपेंड करता है कि अवेलेबिलिटी पे। अगर 2 बेड शेयरिंग रूम अवेलेबल हो तो स्टूडेंट वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, जबकि 3 बेड शेयरिंग रूम हो तो स्टूडेंट को वहीं पर शिफ्ट होना पड़ता है। हॉस्टल के हर रूम में एयर कंडीशन भी अवेलेबल है, अटैच वॉशरूम साथ में है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है स्टूडेंट के लिए हॉस्टल में रहने का, क्योंकि यहाँ के हॉस्टल काफ़ी कम्फर्टेबल है। मेस की बात करें फूड की, तो फूड यहाँ पे 3 टाइम अवेलेबल होती है, पाकिस्तानी एंड इंडियन फूड्स होती है जो कि हलाल फूड है, और आपको उसके लिए $600 सेमेस्टर बेस पे करने होते हैं, यानी मंथली बेसिस पे $100, लेकिन आपको सेमेस्टर के कंबाइन ही पेमेंट करनी होती है जो कि $600 है, जबकि हॉस्टल की पेमेंट मैंने ऑलरेडी बताई है, हॉस्टल की पेमेंट $300 होती है फॉर ईच सेमेस्टर। अगर लिविंग एक्सपेंस की बात करें तो स्टूडेंट के लिए $50 एज ए पॉकेट मनी के तौर पे इनफ होते हैं फॉर 1 मंथ। स्टूडेंट यूनिवर्सिटी फीस, हॉस्टल, मेस हर चीज़ ऑलरेडी पे कर चुका होता है, तो $50 उसके लिए 1 मंथ गुजारने के लिए काफ़ी है। बाकी फिर भी स्टूडेंट के अपने लिविंग एक्सपेंस, लिविंग स्टाइल पे भी डिपेंड करता है कि वो कितने एक्सपेंस उसके लिए काफ़ी होते हैं। वैसे जो एवरेज है वो $50 एक स्टूडेंट के लिए इनफ है फॉर 1 मंथ।
समरका स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने होते हैं, जिसके बाद आपको एडमिशन लेटर मिलता है। आफ्टर 10 और 15 डेज के अंदर आपको इनविटेशन लेटर मिल जाता है, जो कि वीजा के लिए होता है। उसके बाद आप अपने रिस्पेक्टिव कंट्री या पाकिस्तान या इंडिया से अपने वीजा लगवाते हैं और उसके बाद यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं। अब ऑफिशियली प्रोसेस के मुताबिक तो जितनी भी फीस होती है आपको यूनिवर्सिटी पहुंच के पे करनी होती है, लेकिन अगर आप किसी एजेंट से एडमिशन करवाते हैं तो उनके हैवी कमीशन अंदर इंक्लूड होते हैं, जो कि ऑलमोस्ट $500 से $1,000 तक होते हैं, वो आपको वहीं पे करने होते हैं। इसके अलावा अगर वो आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं तो वो भी आपको अपने ही कंट्री में पे करने होते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ अपनी वीडियोस में, अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कोशिश किया करें आप डायरेक्ट किसी स्टूडेंट से कांटेक्ट करें या किसी फेसबुक से यूट्यूब से किसी स्टूडेंट को रीच करें, उनसे इन्फॉर्मेशन लें और उन्हीं से एडमिशन करवाने की कोशिश करें, अगर वो आपका एडमिशन करके दे सकते हैं। इससे आप कमीशन से बच सकते हैं, यहाँ पर आप कम से कम पैसों के अंदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ये थी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट समरका स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक और शेयर करें। अगर समरका स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जितनी जल्दी हुआ आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक और शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।